Hello everyone, welcome to Defense Machinery and I wish you all a very happy new year. तो आज अपने new year की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने FCAT GK के साथ. Part 2 हम आज cover करने वाले हैं. Part 1 हम already cover कर चुके हैं जिसमें हमने 30 questions देखे थे GK के लिए. एक और video हमने कर चुके हैं FCAT के लिए जिसमें हमने sports से related cups and trophies के बारे में पढ़ा था. तो दोनों videos अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक्स जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लेना. शुरुआत करते हैं हमारे थर्ड लेक्चर के साथ. एंड एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर द सेकंड टाइम. सुबह क्या हुआ, मैंने ये लेक्चर जो है सुबह रिकॉर्ड किया कंप्लीट 1 घंटे का. उसके बाद मैं चेक करने लगा तो देखा कि माइक तो डिस्कनेक्ट था. थोड़ी देर के बुरा लगा, फिर मेरे को याद आया एक मोटिवेशनल कोट जो मैंने रील्स में देखा था कि अगर तुम सब कुछ शुरू से शुरू कर सकते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. तो इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग इट फॉर द सेकंड टाइम. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन. हमें बताना कि ये नीति आयोग जो है इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, कब किया था. तो देखो क्या होता है भाई, शुरू से शुरू करते हैं. हमारे कंट्री में दो टाइप की बॉडीज होती हैं. एक आपकी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं भाई जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेडिकेटेड आर्टिकल होता है उनके लिए. फॉर एग्जाम्पल हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है और एक स्पेशल आर्टिकल भी दिया गया है जैसे कि आर्टिकल नंबर 324 जिसमें हमारे मेंशनड है इलेक्शन कमीशन के बारे में. फिर आपकी दूसरे टाइप की बॉडीज होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडीज होती हैं भाई जो जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड नहीं होता और इनके लिए कोई भी स्पेशल आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं होता. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करें तो भाई ये आपके दो टाइप की होती हैं. एक आपकी होती हैं स्टैचुरी बॉडीज़, एक आपकी होती हैं नॉन स्टैचुरी बॉडीज़. स्टैचुरी बॉडी वाइज वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिनको बनाया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट आपकी कोई एक्ट पास करती है और वो बॉडी जो है वो बन जाती है, उस बॉडी को हम बोलते हैं एक स्टैचुरी बॉडी. दूसरी आती है भाई आपकी नॉन स्टैचुरी बॉडीज. नॉन स्टैचुरी बॉडीज भाई बनाई जाती हैं बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन. एग्जीक्यूटिव का मतलब आपकी सरकार. तो आपकी सरकार जब कोई रेजोल्यूशन लेके आती है और वो रेजोल्यूशन अगर पास हो जाता है तो आपकी नॉन स्टैचुरी बॉडी जो है वो बन जाती है. तो ऐसे ही भाई पहले एक बॉडी हुआ करती थी, बॉडी का नाम था प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन भाई आपकी एक नॉन स्टैचुरी बॉडी थी जिसका काम था देश के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग करना. ठीक है, इसको बनाया था भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने. उनकी सरकार थी भाई 1950 में, वो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन लेके आई थी और उन्होंने बनाया था भाई प्लानिंग कमीशन. उसके बाद भाई 2015 तक सही चल रहा था. उसके बाद 2014 में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट आई बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, और ऑन 1 जनवरी 2015 एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था नीति आयोग. तो ये नीति आयोग को भाई इस प्लानिंग कमीशन की जगह पे लाके लाया गया ऑन 1 जनवरी 2015, जिसका वही काम है जो आपके प्लानिंग कमीशन का होता था. नीति आयोग के बारे में और जाने तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसको वही एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बनाया गया है. तो ये भी आपकी एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है. 1 जनवरी 2015 को इसने हमारे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था. अगर बात करें इसकी इसके चेयरमैन की तो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर कंट्री के चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के. और अभी 2-3 महीने पहले इसके नए वाइस चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है सुमन बैरी.
तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू, हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बताना अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो पहली बार किसको मिला था। तो सबसे पहले भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? आपके भाई सिनेमा की कैटेगरी में दिया जाता है, एक्ट्रेस और एक्टर्स को ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है। अगर बात करें शुरुआत कब हुआ था भाई, तो पहली बार 1969 में आपके देविका नानी जी को ये अवार्ड जो है दिया गया था। इन्हीं को हम बोलते हैं गाइज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। कई बार आपके एफकैट में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट अभी मिला है भाई 2020 के लिए, वो मिला है आपके आशा पारेख जी को। 2020 के लिए अभी मिला है, आपकी जो नई प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको ये दिया है। आशा पारेख जी हमारे 90s के टाइम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। इनको भाई हम हिट गर्ल के नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज हिट गर्ल। ओके, तो ये था भाई आपके दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रैमन मैगेसेसे अवार्ड। तो रैमन मैगेसेसे अवार्ड के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर वन, द रैमन मैगेसे अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। तो भाई रैमन मैगेसे अवार्ड को भाई 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। स्टेटमेंट नंबर वन आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। इसको भाई एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट, इट इज नेम्ड आफ्टर रैमन मैगेसे द फोर्थ प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस। भाई इसका जो नाम है वो रैमन मैगेसे के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि आपके फिलीपींस के फोर्थ नहीं बल्कि थर्ड प्रेसिडेंट थे। तो स्टेटमेंट नंबर थ्री यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो रैमन मैगेसे अवार्ड 1957 में शुरू हुआ था, एशिया का नोबेल प्राइज इसको बोलते हैं। फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट रैमन मैगेसे के नाम पे ये अवार्ड जो है दिया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर थ्री यहाँ से इनकरेक्ट है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है हाउ मैनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं? तो भाई स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट आपकी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। और अगर बात करें हमें यहाँ पे लेटेस्ट रैमन मैगेसे अवार्ड की, तो अभी भाई 2022 में अभी मिले हैं भाई, 64th एडिशन इसका मिला है, 64th रैमन मैगेसे अवार्ड 2022। ये भाई चार लोगों को मिला है, उनके नाम क्या क्या हैं वैसे तो मैं करंट अफेयर्स में ये बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से आपका रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक मिला है भाई ये सोथेरा चीम, ये इनका नाम है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? कंबोडिया के हैं, कंबोडिया के नागरिक हैं। और क्यों मिला है? क्योंकि ये भाई एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, कंबोडिया की यहाँ से आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम फे। एफकेट में कैपिटल भी आती हैं, तो ये भी आपको साथ के साथ मैं बताता चलूंगा। उसके बाद दूसरा रैमन मैगेसे अवार्ड मिला है तादाशी हथौड़ी को, जो कि नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ के हैं, जापान के हैं। इनको क्यों मिला है? ये भाई आपके एक ह्यूमिनिटेरियन हैं, जो कि साइट सेविंग मतलब वही आपका डॉक्टर वगैरह हैं। ठीक है, यही काम करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिनिटेरियन का ये काम करते हैं, जापान के हैं। तो जापान की कैपिटल आपको पता है टोक्यो। थर्ड रैमन मैगेसे अवार्ड मिला है बी जे मैड्रिड को। बी जे मैड्रिड कहाँ के हैं भाई? फिलीपींस के हैं। फिलीपींस की कैपिटल आपको पता है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और इनको क्यों मिला है? इनको मिला है क्योंकि ये आपके एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, इसलिए इनको मिला है
64th रैमन मैगेसे अवार्ड, उसके बाद 4th रैमन मैगेसे अवार्ड इस बार का वो मिला है गैरी, अजीब सा नाम है उनका, बेचन ही ऐसा कुछ नाम है, ठीक है ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 4th रैमन मैगेसे अवार्ड मिला है ये, स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलत भी हो सकती है लेकिन नाम यही है, ठीक है कहाँ के हैं, इंडोनेशिया के हैं, और इनको क्यों मिला है, इनको मिला है ये हैं भाई एंटी प्लास्टिक पोल्यूशन एक्टिविस्ट, इंडोनेशिया से 4th रमन मैगेसे अवार्ड जो है वो इनको मिला है, और इंडोनेशिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो ये थे यहाँ से कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड। तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड के पहले रिसिप्ट कौन थे? तो भाई देखो ये ना थोड़ा सा ना इस एग्जाम क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्यों? क्योंकि ना ये दो अवार्ड हैं, एक तो है आपका नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है ये भाई स्टार्ट हुआ था 1984 में और ये पहला मिला था नौशाद को, ठीक है 1984 में, ये बेसिकली आपके म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है इनको, ये मिला था, ये कौन थे, ये आपके एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनको ये पहला अवार्ड मिला था 1984 में। एंड उसके बाद लेटेस्ट तीन अवार्ड्स एक साथ दिए गए हैं, एक मिला है 2019 के लिए जो मिला है शैलेंद्र सिंह को, जो कि क्या है एक सिंगर हैं, 2020 का मिला है आनंद मिलिंद को, अब ये मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2019, 20 और 21 तीनों के ये अवार्ड ना अभी एक साथ मिले हैं, ये आनंद मिलिंद ये आपके एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और 2021 का मिला है कुमार शानू जी को जो कि क्या है सिंगर हैं। अब बात करते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ होता है, तो कन्फ्यूजन ये होता है कि एक और अवार्ड है जिसको इसी साल मतलब पिछले साल 2022 में, ये तो 2023 आ गया आज तो, ठीक है जिसको 2022 में ही लॉन्च किया गया था, उस अवार्ड का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। इसमें भाई मेरे को भी पहले नाम की वजह से कन्फ्यूजन हो गया था, तो शायद पिछली वीडियोस में मैंने कुछ बताया होगा कि नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड के पहले रिसिप्ट नरेंद्र मोदी जी थे, तो वो आपके पहले रिसिप्ट नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड के नहीं थे बल्कि वो थे आपके लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के फर्स्ट रिसिप्ट। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था इस स्टार्टेड इन 2022 2022 में, और इसके जो पहले रिसिप्ट थे पहले अवार्डी थे, तो ये पहला अवार्ड ये मिला था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो पहले जो कंफ्यूजन था उसको यहाँ से करेक्ट कर लेना, ये दो अलग अलग अवार्ड हैं, एक सिंबल नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड है और एक लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, इनको यहाँ से करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। तो इधर दिया हुआ है भाई आपके ये कुछ दो वैक्सीन्स हैं जिनको रिसेंटली लॉन्च किया गया था या उनके यूजेस हैं, तो बताना भाई कौन सी वैक्सीन का क्या यूज है। तो भाई सर्वावैक हमने अभी एक वैक्सीन बनाई है, ये इंडिया की पहली QHP वैक्सीन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये आपकी है सर्वाइकल कैंसर के लिए, और कोवावैक जो है वो है इंडिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन फॉर COVID-19। तो दोनों को याद रखना है, पहली हमारी सर्वाइकल कैंसर के लिए है, दूसरी हमारी क्या है COVID-19 के लिए इंडिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, ठीक है। और इस कोवावैक को बनाया है गाइज, इट इज मेड बाय भारत बायोटेक, इंडिजियसली डेवलप्ड है और इंडिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, INS विक्रांत इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो अभी INS विक्रांत न्यूज में था, न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये बना है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर,
इससे पहले हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भाई हमारे इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, जिसको हमने खरीदा था कहाँ से, हमने यूके से इसको खरीदा था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको सर्विस में लिया, ठीक है, एंड फिर हमने इसको क्या कर दिया था, इसको रिटायर कर दिया था। उसके रिटायर होने के बाद अभी हमने इंडिया का पहला इंडिजिनसली, मतलब हमारी ही कंट्री में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया है, जिसका नाम हमने वही आईएनएस विक्रांत ही रखा है। तो आईएनएस विक्रांत बनाया कहाँ, कौन सी कंपनी ने है, तो इसको बनाया है भाई हमारे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएनएस विक्रांत में कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यूज्ड की गई है। तो आईएनएस विक्रांत में टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है उसका नाम है स्टोबार, जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी। ये आपकी टेक्निक है जो कि यूज की गई है आपके आईएनएस विक्रांत में, जिसको हाल ही में कमीशन किया गया है और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इनको। स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोजेक्ट 17A इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ 7 स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का भाई एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है 17A। तो इस 17A का टारगेट क्या है, ये हमने लॉन्च किया था इंडियन नेवी के लिए 7 स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट बनाने के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमने डिसाइड किया था कि इस प्रोजेक्ट के अंडर हम 7 फ्रिगेट्स बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए, जिसमें से 3 फ्रिगेट्स जो हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। उनके नाम क्या हैं, उनके नाम हैं आईएनएस तारागिरी, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी। ये 3 आपकी क्या हैं, फ्रिगेट्स हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं अंडर प्रोजेक्ट 17A। चार जो हैं वो अभी बनने बाकी हैं। इन 3 फ्रिगेट्स को बनाया है भाई आपके मेजेगन डॉक्स ने, मेजेगन डॉक्स ने इनको बनाया है। बाकी की बची हुई जो 4 फ्रिगेट्स हैं वो अभी नहीं बनी हैं, उनको बनाने का काम करेगा आपकी GSRE शिप बिल्डिंग, जो कि आपके कोलकाता में बेस्ड है। बाकी की 4 जो हैं वो GSRE शिप बिल्डिंग के द्वारा आपकी बनाई जाएंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, प्रोजेक्ट 75 इन्वॉल्व्स द बिल्डिंग ऑफ स्पॉर्पिन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फॉर इंडियन नेवी। हाँ भाई, जो प्रोजेक्ट 75 है इसका एम है इंडियन नेवी के लिए स्कॉर्पिन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके CDS में आया था, वहां पे ना डीजल इलेक्ट्रिक की जगह लिखा हुआ था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, आई थिंक कुछ ऐसा ही था। तो वो भाई आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने का मिशन है, ना कि न्यूक्लियर। और प्रोजेक्ट 75-1 ये आपका इसी प्रोजेक्ट 75 का सेकंड फेज है। तो यहाँ से भाई तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी थी, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। वो थी आपकी आईएनएस अरिहंत, ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आईएनएस निपुण एंड आईएनएस निस्तर विच वर इज न्यूज रिसेंटली आर। तो अभी ये दो न्यूज में थी, क्योंकि इनको रिसेंटली अभी इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है क्या भाई, ये आपकी डाइविंग स्पोर्ट्स वेजल है,
जिनको इंडिया में ही बनाया जाएगा। इंडिजिनसली डाइविंग स्पोर्ट वेजल्स हैं, इनको बनाने का काम करेगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इनको बनाएगा। क्या है ये? इंडिजिनसली डेवलप्ड डाइविंग स्पोर्ट वेजल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन इज लोकेटेड इन। तो भी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले एक जगह है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, जगह का नाम है किबीतू। ठीक है, किबीतू में था एक मिलिट्री गैरिसन। इसका क्या किया, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। तो इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये भाई, आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? किबीतू में। किबीतू आपका और भी तो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भाई इंडिया का हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब अगर आप ईस्ट की तरफ से आ रहे हो, इंडिया में एंटर कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे आपको टच होगा तो वो है आपका, क्या है आपका, किबीतू। उसके अलावा बाकी पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है आपके गुजरात में, जगह का नाम है गुहर मोटा। कहाँ पे है? गुजरात में है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब पढ़ रहे हैं तो नदन और सदन भी देख लेते हैं। इंडिया का नदन मोस्ट पॉइंट है आपके लद्दाख में, नाम है उसका इंदिरा कोल। पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, बट नाउ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर हमारी अलग अलग टेरिटरीज हैं, तो ये आपका लद्दाख में आता है। और अगर बात करें सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारे पास दो हैं। एक है हमारा मेन लैंड के ऊपर, ठीक है, एक है हमारा वाटर में। वाटर में क्यों है? क्योंकि जो ये पहले वाटर में ये जो पॉइंट था ना, ये भाई आपके ऊपर था, ठीक है, लेकिन सुनामी की वजह से ये पानी में डूब गया, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो मेन लैंड पे हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है कैप कॉमरेन, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। और वाटर के अंदर हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, कहाँ पे है, अंडेमान और निकोबार में है। ठीक है, पहले ये ऊपर था लेकिन 2004 में सुनामी आई जिसकी वजह से ये पानी में डूब गया। ओके, तो इन फैक्ट्स को, छोटे छोटे हैं इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मेहर बाबा कंपटीशन 2 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो अभी एक कंपटीशन था मेहर बाबा कंपटीशन, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो भाई इसका टारगेट था, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होगा, ये आपके स्वयं ड्रोन टेक्नोलॉजी होती है। तो बेसिकली ड्रोन से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था भाई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, और किसके नाम पे किया जाता है? तो भाई एक थे हमारे एयर कोमोडोर मेहर सिंह, एयर कोमोडोर थे इंडियन एयरफोर्स में, नाम था उनका मेहर सिंह, ठीक है। इनके जो कोमोडोर, इनके जो मतलब जो इनके साथ जो साथी थे वो इनको बोलते थे, इनके जो कॉमरेड्स थे वो इनको बोलते थे मेहर बाबा। तो इनको भी मेहर बाबा के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हीं के नाम पे इंडियन एयरफोर्स ने कराया है मेहर बाबा कंपटीशन। भाई इनको महावीर चक्र भी मिला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। जो बच्चे अपना AFSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एयरफोर्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, AFSB है आपका, तो एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। उसके हीरोज कौन कौन से हैं, किसको परमवीर चक्र मिला है, किसको नहीं मिला है, ठीक है। एयर उनकी मतलब आपके उनको एयरक्राफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, रैंक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, वेपन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एयरफोर्स एस्पिरेंट को पता हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो भाई पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले ये देखते हैं कि मनाया क्यों जाता है भाई। तो
तो भाई हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं पराक्रम दिवस, जो कि कब होती है, वो होती है ऑन 23rd of January। तो राइट ऑप्शन है आपका 23rd of January। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशंस जो है वो प्रिसाइड किए थे, तो वो कौन से थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशंस इन्हें प्रिसाइड किए थे। पहला था आपका 1938 में हरिपुरा सेशन, ये इन्होंने प्रिसाइड किया था, और दूसरा हुआ था अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी सेशन। तो ये दो सेशंस जो हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किए थे, प्रिसाइड किए थे। उसके बाद 1939 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस को छोड़ दिया था और अपनी एक नई बॉडी बनाई थी जिसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भाई आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बनाया था इन द ईयर 1939 आफ्टर लिविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो आपके महात्मा गांधी जी है ना, जिनको आप बोलते हो फादर ऑफ नेशन, तो ये फादर ऑफ नेशन का जो टाइटल है ये महात्मा गांधी को आपको पता है किसने दिया था, ये भाई आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल। ओके, और जो महात्मा का जो टाइटल है ये भी बता देता हूँ साथ के साथ, जो महात्मा का जो टाइटल है जो गांधी जी को मिला है ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को 23rd of January को हम मनाते हैं अपना पराक्रम दिवस। उसके अलावा 26th of December इसको भाई हम मनाते हैं वीर बाल दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीर बाल दिवस 26th of December को मनाते हैं। 2 फेब को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, एंड 9th of January को हम मनाते हैं भाई अपना प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को आपके महात्मा गांधी जी हैं वो अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसी खुशी में हम 9 फेब को मनाते हैं एज प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपकी सीएनजी गैस होती है, मेनली उसमें कौन सी गैस होती है, तो भाई इस मेनली इसमें क्या होती है भाई आपकी मिथेन गैस, जिसका फॉर्मूला है CH4। और सीएनजी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी थी, न्यूज़ ये थी कि अभी वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल जो है वो बनने जा रहा है, वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। और कहाँ पे बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है भाई आपके गुजरात के भावनगर में, गुजरात के भावनगर में बनने जा रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी गैस टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी सेंचुरी या कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो सबसे पहले पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है, ये आपका है वेस्ट बंगाल में। क्या है ये आपका जूलॉजिकल पार्क है, मतलब एक जू है। न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको मिला है बेस्ट जू का टाइटल, बेस्ट जू का टाइटल इसको मिला है, ठीक है, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, ये है हमारा एमपी में, एमपी में है। उसके अलावा भाई न्यूज़ में कुछ और टाइगर रिजर्व्स थे जो आपके एमपी में हैं, वो कौन कौन से हैं, एक है आपका कूनो नेशनल पार्क,
कोनो नेशनल पार्क कहाँ है भाई आपका? ये भी आपके एमपी में ही है। न्यूज में क्यों था? यहाँ पे भाई टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है नाम्बिया से, अफ्रीका के नाम्बिया से। यहाँ से क्या किया गया है, टाइगर्स को लाया गया है। ठीक है, एक है आपका माधव नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये भी भाई आपके एमपी में ही है। ठीक है, ये भी न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ भी टाइगर्स को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन यहाँ पे दूसरी कंट्री से नहीं लाया गया। उसके बाद ये जो माधव नेशनल पार्क है ना, इसी माधव नेशनल पार्क में है आपका साक्या सागर लेक। साक्या सागर लेक ये क्या है भाई आपका? ये आपकी एक वेटलैंड है, या फिर बोल लो एक रैमसर साइट है, और इसी माधव नेशनल पार्क में है माधव सागर लेक। तो ये दोनों आपके इसी माधव नेशनल पार्क में है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आपका ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे केओज को डिस्कवर किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, इसको जो फाउंडर थे वो थे आपके अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट आपकी मानसबल लेक, ये कहाँ पे है? ये है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है। न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी, इट इज़ रिसेंटली ओपन्ड फॉर एनसीसी। एनसीसी के लिए इसको क्या किया गया है, ओपन किया गया है। भी पहले ही ओपन थी एनसीसी के लिए, बीच में बंद किया था, दोबारा से ओपन कर दिया गया है। उसके अलावा रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये है आपके उत्तर प्रदेश में। जम्मू एंड कश्मीर में एक और है जिसका नाम है मार्टेंड सन टेम्पल। मार्टेंड सन टेम्पल कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में ही है। इसको भी हम याद रखेंगे, सन जो हमारे गॉड हैं उनको ये डेडिकेटेड है, जम्मू कश्मीर में है, ये भी न्यूज़ में था। उसके अलावा मानसबल लेक, यहाँ से एनसीसी से आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी का मोटो क्या है। क्या है भाई एनसीसी का मोटो? कई बार बता चुका हूँ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का मोटो अगर आपको पता है, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएस, इसका भी मोटो आपको पता होना चाहिए। इसका मोटो है नॉट मी बट यू। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इज लोकेटेड इन, तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, तो ये भाई इंडिया का ओनली F1 रेसिंग सर्किट है। इंडियाज ओनली F1 रेसिंग सर्किट। ठीक है, आपको बताना है कहाँ पे है। तो ये है भाई हमारे नोएडा में, नोएडा में है इंडिया का ओनली F1 रेसिंग सर्किट है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि अभी 2023 में यहाँ पे होने वाली है मोटो जीपी रेस। ठीक है, काफ़ी साल बाद इंडिया में मोटो जीपी रेस होने वाली है। पहले होती थी, फिर डिसकंटिन्यू हो गई थी, अभी 2023 से दोबारा से होगी मोटो जीपी रेस, जिसका नाम रखा गया है ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत। देखने जाओगे ना नोएडा वालों, जाना, मजा आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ मिडल ईस्ट क्वेड। तो मिडल ईस्ट क्वेड भाई एक आपका एक नया ग्रुप बना है। ठीक है, इसको हम I2U2 ग्रुप भी बोलते हैं। I2U2 ग्रुप, I2 का मतलब है इंडिया एंड इसराइल, एंड U2 का मतलब है USA एंड UAE। तो यही चार कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो कौन सी कंट्री नहीं है? इंडिया भी है, इसराइल भी है, UAE भी है, और उसके अलावा USA है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। उसके अलावा क्वेड के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्वेड के मेंबर्स हैं आपके इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इसी अभी इन्हीं क्वाड मेंबर्स के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार। तो
और अभी इसका मालाबार 2022 का लेटेस्ट एडिशन हुआ है। ये क्या है आपकी? एक नेवल एक्सरसाइज है अमंग द मेंबर्स ऑफ क्वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया डू नॉट हैव 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग नहीं होता है। तो ये 2+2 डायलॉग होता क्या है? तो ये भाई एक मीटिंग होती है जिसमें दो कंट्रीज के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर, हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और दूसरी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर पार्ट लेते हैं। इसको हम बोलते हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया का 2+2 डायलॉग जो है वो आपका टोटल चार कंट्रीज के साथ 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 होता है। वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारा यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। इन चार कंट्रीज के साथ हमारा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। इन तीन के साथ इंडिया जो है वो क्वेड का मेंबर है, उसके अलावा चौथी कंट्री है आपकी रशिया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इंडिया का 2+2 डायलॉग क्वेड मेंबर्स प्लस रशिया के साथ होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? ये रशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ G4? इनमें से कौन सी कंट्री भाई आपकी G4 का पार्ट नहीं है? तो G4 में भाई आपकी टोटल चार कंट्रीज हैं। इसको याद करने की ट्रिक है बिग जापान। बिग जापान मतलब B से ब्राजील, I से इंडिया, G से जर्मनी और नेक्स्ट लास्ट आपका जापान। तो ये चार कंट्रीज हैं आपकी, ये आपके G4 के मेंबर हैं। तो इन चारों की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इंडिया की पता है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और जापान की कैपिटल है टोक्यो। उसके अलावा दो और ग्रुप हैं, एक आपका है यही G4 है, एक आपका G7 होता है, एक आपका G8 होता है, एक आपका G20 होता है। तो इंडिया जो है वो G4 का पार्ट है और G20 का पार्ट है, G7 या G8 का पार्ट इंडिया नहीं है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और करंटली इंडिया जो है वो G20 का क्या है? प्रेसिडेंट है। और अगले साल जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी मतलब जो समिट है वो होस्ट करने वाला है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कैपिटल ऑफ क्यूबा। तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो भाई क्यूबा की कैपिटल है हवाना। अब मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया? ऐसे ही तो मैंने मतलब ऐसे ही अच्छा लग रहा था लगा दिया। नहीं, क्यूबा अभी न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि क्यूबा में लीगलाइज किया गया है सेम सेक्स मैरिज को, तो इसलिए क्यूबा जो है वो न्यूज़ में था। इसकी कैपिटल है हवाना। उसके अलावा ताशकंत, ये आपकी कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान आपकी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। और जितनी भी आपकी ये कंट्रीज है ना, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, ये सारी की सारी ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इनकी किसी न किसी एक की कैपिटल किसी ना किसी शिफ्ट में, एफकेट में जरूर होती है। तो इनको देख के जाना। उसके बाद बेलग्रेड है आपकी सर्बिया की कैपिटल और ब्राज़ीलिया अभी हमने देखा है आपके ब्राज़ील की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद। तो आपका ये प्रोटोकॉल हुआ था, इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये भाई जो हमारी ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर को जो सब्सटेंसेस डेप्लीट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल साइन किया था। प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको गाइस साइन किया गया था ऑन 16th of September 1987। मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे इसको साइन किया गया था।
और इसी दिन 16 सितंबर को हम मनाते हैं अपना ओजोन डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन किया था। एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारी ओजोन है वो कौन से लेयर में पाई जाती है, तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है आपकी ओजोन लेयर। उसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स हुए थे, जैसे एक हुआ था आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि रिलेटेड था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मतलब पीओपी से रिलेटेड था। पीओपी क्या होते हैं? पीओपी आपके वो केमिकल्स होते हैं जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नष्ट नहीं होते और एक लंबे टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। एक आपका हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, जो कि हमारी जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, ठीक है, तो तब ये हुआ था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट। और एक आपका मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है आपका रिजाइम ऑफ स्ट्रेट्स के ऊपर। तो ये आपके ना स्ट्रेट क्या होती है, समुंदर के अंदर एक रास्ता होता है, तो दो आपकी स्ट्रेट्स हैं तुर्की के अंदर, ठीक है, तो उन स्ट्रेट्स को कंट्रोल कौन करता है, वो तुर्की कंट्रोल करता है, तो उन्हीं के ऊपर हुआ था एक मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियक्स एक जैसे हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो इन सारे कन्वेंशन को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन रेंज आपको बतानी है, तो वो है हमारे हिमालयाज। और हिमालयाज जो है ना वो हमारी फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन क्या होती है भाई? फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन होती हैं जो क्या है, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, हमारी अर्थ के क्रस्ट के अंदर अलग अलग प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं कुछ माइनर प्लेट्स हैं। वो प्लेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। तो क्या होता है जब एक प्लेट ऐसे मूव करती है और दूसरी प्लेट सामने से इसी की तरफ मूव करती है, तो दो प्लेट्स जब एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो क्या होता है भाई, ये एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज होने से क्या होगा, ये प्लेट इसके नीचे घुस जाएगी, ये प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी, और इससे क्या होगा, यहाँ पे एक माउंटेन बन जाएगी, और इसी माउंटेन को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये दो प्लेट के आपस में फोल्ड होने से बनती है, ठीक है। तो जो हमारी हिमालयाज माउंटेन है वो ऐसे ही बनी थी, एक तरफ से आ रही थी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, एक तरफ से आ रही थी आपकी यूरेशियन प्लेट, दोनों टकराई आपस में फोल्ड हो गई और आपकी हिमालयाज बन गई। तो हिमालयाज को हम फोल्ड माउंटेन और हम इनको यंग फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको माउंटेन्स के नाम दे देता है और बताता है कि बताओ कौन सी माउंटेन कहाँ पे है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई हिमालयाज आपका कहाँ पे है, एशिया में है। नेक्स्ट रॉकीज, रॉकीज कहाँ आपकी, रॉकीज और एक और माउंटेन है जिसका नाम है एपलेंशियंस। तो रॉकीज और एपलेंशियन ये दोनों माउंटेन्स आपकी कहाँ पे हैं, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज आपकी कहाँ पे है, एंडीज आपकी साउथ अमेरिका में है। एल्प्स कहाँ हैं, एल्प्स आपके यूरोप में हैं। उसके अलावा उरल माउंटेन्स ये कहाँ हैं, ये भाई आपकी सेपरेट करती हैं एशिया एंड यूरोप को। उसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ है, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके अलावा एटलस कहाँ है, एटलस है आपके अफ्रीका में। एंड लास्ट में बच गई एशिया में, तो एशिया में आपकी है हिमालयाज, कुनलुन शाह, हिंदू कुश, सुमात्रा
एंड एल्टाई, ये सारी की सारी माउंटेन्स आपके कहाँ हैं, एशिया में हैं, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे कुछ आपके मैंने इंक्लूड किए हैं स्टैटिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले लार्जेस्ट फोर्ट आपका कहाँ है, तो लार्जेस्ट फोर्ट है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये बनाया किसने था, ये आपके एक लोकल रूलर थे, उनका नाम याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखो लार्जेस्ट फोर्ट है आपके इंडिया का चित्तौड़गढ़ फोर्ट। उसके अलावा अगर याद रखना है तो आपको पता होना चाहिए आगरा फोर्ट किसने बनाया था, तो आगरा फोर्ट बनाया था आपके अकबर ने। एक और फोर्ट था जिनका नाम था अलाहाबाद फोर्ट, तो अलाहाबाद फोर्ट जो है वो भी आपका किसने बनाया है, अकबर ने ही बनाया है। उसके अलावा रेड फोर्ट बनाया है शाहजहां ने। और एक इस रेड फोर्ट के अंदर ना एक मॉस्क्यू है जिसका नाम है मोती मस्जिद, और अंग्रेजी में बोले तो पर्ल मॉस्क्यू। तो पर्ल मॉस्क्यू इसको भाई रेड फोर्ट के अंदर इसको बनवाया था औरंगजेब ने, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट केव सिस्टम ओपन टू पब्लिक ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट केव सिस्टम भाई इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिसको पब्लिक के लिए ओपन किया है वो है आपकी बेलम केव्स। कहाँ पे है आपकी, आंध्रा प्रदेश में है। उसके अलावा एलोरा केव्स ये कहाँ है, ये आपकी महाराष्ट्र में है, इनको भी याद रखना। ये भाई छोटे छोटे हैं भाई, स्टैटिक पोर्शन है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, बस 2 मिनट और लगेंगी, ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो ना यहाँ पे ना एक नेशनल हेरिटेज एनिमल अलग है और नेशनल एनिमल अलग है। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल है आपका एलिफेंट, कौन सा एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट। टाइगर क्या है, टाइगर नेशनल एनिमल है, तो नेशनल एनिमल टाइगर है और नेशनल हेरिटेज एनिमल इंडियन एलिफेंट है। डॉल्फिन आपका, डॉल्फिन क्या है आपका, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक। और कौन सा डॉल्फिन आपका, जो गंगेटिक डॉल्फिन है जो गंगा रिवर में पाया जाता है वो। उसके अलावा काफी और चीजें होती है, जैसे नेशनल फ्लावर की बात करें तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको भी भूल जाते हैं बच्चे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेशनल फ्लावर है लोटस। उसके अलावा नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको लिखा है, इसको लिखा है। और नेशनल एंथम है जनगण मन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है जिसका नाम है अमर सोनार बांग्ला, इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। उसके अलावा नेशनल फ्रूट की बात करें तो नेशनल फ्रूट है मैंगो। और क्या रह गया, और आपका नेशनल रिवर, नेशनल रिवर है हमारी गंगा रिवर। और नेशनल ट्री की बात करें तो नेशनल ट्री है बेनियन ट्री, तो इनको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। तो अशोका की लायन कैपिटल है, सबसे पहले है कहाँ पे ये, तो ये भाई आपकी लोकेटेड है सारनाथ में, वही सारनाथ जहाँ पे आपके गौतम बुद्धा ने पहला सेरमोन दिया था, फर्स्ट सेरमोन गौतम बुद्ध, जो कि आपके फाउंडर थे आपके किसके, बुद्धिज्म के। ये भी हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला सेरमोन दिया था सारनाथ पे, वहीं पर लोकेटेड है अशोका की लायन कैपिटल। तो जिसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 7 फिट या फिर 2.1 मीटर। इसी लायन कैपिटल से हमने लिया है अपना नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम। एंड जो अशोक चक्रा है ना, जो अशोक चक्रा है अपने हमारे फ्लैग में, वो भी हमने यहीं से लिया है। तो और जो लायन कैपिटल है आपकी अशोका की, अशोका जो है आपके बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, तो ये उनका जो है वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है और अशोक चक्रा है वो हमारा बुद्धिज्म से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि हमने वो लायन कैपिटल से लिया है और लायन कैपिटल में वो बुद्धिज्म से आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द डिजाइनर ऑफ परमवीर चक्र? तो परमवीर चक्र हमारा वार टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जिसके डिजाइनर कौन थी? इनके डिजाइनर थी स्वित्रा बाई कनौलकर। उसके अलावा पंगाली वेंकैया, ये हमारे थे डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग, इन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, ठीक है। उसके अलावा अवार्ड से क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाईएस्ट वार टाइम अवार्ड है, कौन सा पीस टाइम अवार्ड है, तो वो ना हमारे दो कैटेगरीज में अवार्ड होते हैं, एक आपके होते हैं वार टाइम अवार्ड्स, ठीक है, एक आपके होते हैं पीस टाइम अवार्ड्स। तो वॉर टाइम अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड आपकी फर्स्ट नंबर पे वो है हमारा परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है महावीर चक्र, और उसके बाद थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है आपका वीर चक्र। ये तीन आपके वार टाइम में दिए जाने वाले हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। उसके अलावा इन्हीं के इक्विवेलेंट है आपके पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, जिनको पीस टाइम में दिया जाता है, वो है आपके फर्स्ट पे है आपका अशोक चक्र, ये आपका परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट है, जो कि पीस टाइम में दिया जाता है। सेकंड हाईएस्ट है कीर्ति चक्र और थर्ड हाईएस्ट है शौर्य चक्र, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एज ए सिविलियन ऑफ द कंट्री फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द सैटेलाइट डेटा? मतलब अगर आप एक सिविलियन हो और आपको एक अपनी कंट्री का सैटेलाइट डाटा चाहिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में, वहाँ से आपको मिलेगा सैटेलाइट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जेके रोलिंग द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो एक क्वेश्चन यहीं से कंसिडर कंप्लीट हो गया कि जेके रोलिंग, ठीक है, हैरी पॉटर के कौन थे, ऑथर थे, कहाँ के हैं, यूके के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्मरली नोन एज? तो वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था भाई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। इसके टोटल भाई 189 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि पिछले लेक्चर में हमने शायद पढ़ा था। इसके अलावा एक और बॉडी है जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके हेडक्वार्टर्स भी आपके वाशिंगटन डीसी में ही हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द पावर टू एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स रेस्ट विद। तो भाई एक पावर है आपकी, सबसे पहले क्या आता है हमारे इंडिया में, ये रूल है कि दो स्टेट के लिए आप एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो बना सकते हो, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका हरियाणा और चंडीगढ़ का है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो और भी कई स्टेट्स हैं जिनके लिए कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। तो ये पावर भाई आपके पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट को ये पावर कहाँ से मिलती है? पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है फ्रॉम आर्टिकल नंबर 231 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 231 क्या कहता है? ये आपकी पावर देता है आपके पार्लियामेंट को टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग द ग्रीन बुक? तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था मुस्लिम लीग का, जिसका नाम था द ग्रीन बुक। इसके जो ड्राफ्ट मैन थे, इसको ड्राफ्ट किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। तो ये थे आपके भाई 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक वीडियो हो चुकी है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है, दोनों को देखो, बार बार रिवाइज करो। ये जो PDF है, आई विल शेयर दिस PDF ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, एंड ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी जल्दी पोर्शन हम कवर करेंगे, मैथ्स भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और न्यू ईयर के जो भी रेजोल्यूशंस लिए हैं आपने, उनको पूरा करो, ठीक है। डे वन से ही शुरुआत करो यार, भावलो की डे वन तो जा चुका है, ठीक है। जिसने नहीं की डे वन से, वो डे टू से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ओके। तो बस पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।